Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about using technology to revise your message. Message prepare जब हम करते हैं तो उस पर different stages होती हैं, जैसा कि हमने message की planning के बारे में discuss किया, फिर हमने message writing के process को देखा कि message किस तरह से लिखा जाता है. अभी हम मैसेज को रिवाइज करने के, उसको कंप्लीट करने के प्रोसेस में हैं. और जब हम मैसेज को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने मैसेज को बेहतर रिवाइज करने के लिए. आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है जी, आइडेंटिफाई 4 सॉफ्टवेयर टूल्स That can help you revise messages. वो कौन से 4 software tools हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं message को revise करने के लिए, and explain the risk of using them. और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम इनको carefully इस्तेमाल नहीं करते तो इनके साथ कुछ risks भी attached हैं. हम उनके बारे में भी discuss करेंगे कि अगर हम केयरलेसली इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, किस तरह से हमारे मैसेज को ये इफ़ेक्ट करेंगे, और अगर हम इनको केयरफुली यूज़ करें तो किस तरह से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं. क्योंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये है कि टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू टू सेव योर टाइम और इट इंक्रीजेज योर एफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करना है कि हम जो अपना मैसेज को रिवाइज करेंगे उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें, कम वक्त में रिवाइज कर सकें, और उसकी बेहतर क्वालिटी हमारे मैसेज की हो. और अगर हम केयरफुली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या क्या रिस्क उसके साथ अटैच हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आज के लेक्चर में. यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिवाइज योर मैसेज, अगर हम आउटलाइन में हम डिस्कस करें कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात करते हैं तो रिवीजन ट्रैकिंग, कमेंटिंग, स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, थेसॉरस, स्टाइल चेकर, ये 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है. और ख़ास तौर पे अगर हम 4 टूल्स की बात करें तो वो 4 टूल्स हैं स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, थेसॉरस और स्टाइल चेकर. लेकिन रिवीजन ट्रैकिंग और कमेंटिंग ये फीचर है जो आमतौर पे जितने भी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उनमें ये चीज़ें होती हैं. इनका क्या फ़ायदा होता है और इनके साथ एडिशनली ये जो हम 4 टूल इस्तेमाल करते हैं, ये तो बिल्ट इन चीज़ें उसमें होती हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसका किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है और कितनी हद तक हमें इन टूल्स पे डिपेंड करना चाहिए, आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे. रिवीजन ट्रैकिंग और कमेंटिंग क्या है, ये सॉफ्टवेयर टूल्स क्या हैं जी, ये रिवीजन के सॉफ्टवेयर टूल हैं. सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज रिवीजन ट्रैकिंग एंड कमेंटिंग कैन कीप ट्रैक ऑफ प्रपोज एडिटिंग चेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली एंड प्रोवाइड अ हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट रिवीजन. इनका क्या काम होता है, ये रिवीजन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते. जो रिवीजन करने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं वो हम आगे देखेंगे. ये जो रिवीजन्स होती हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं कि जब आप मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए रिवीजन करेंगे और उसमें आप उसका ट्रैक रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो उसमें रिवीजन ट्रैकिंग और कमेंटिंग जो है ये टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला जो टूल बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है वो है जी स्पेल चेकर. देखिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैसेज प्रोड्यूस करना इज़ नॉट एवरीथिंग, मैसेज को क्वालिटी जो मैसेज में आती है वो उसकी रिवीजन में आती है कि जब आप उसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके आप उसके डिफरेंट स्टेजेस पे आपने उसके एरर्स चेक करने होते हैं. तो सबसे पहले हम स्पेलिंग्स की बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन होता है कि आपने बिजनेस मैसेज
डेवलप किया है और बिजनेस मैसेज आप सेंड करते हैं, लेकिन जो आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए उनके स्पेलिंग अगर गलत होंगे तो आपका इम्प्रेशन जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप अपने बिजनेस मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स हों। और समटाइम ऐसा होता है कि हम चूंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल नहीं करते, तो जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मुश्किल अल्फाज होते हैं या फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, तो हम उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। बट दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील कि लिखने में कोई चीज़ मिस्टेक आ जाए, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस मैसेज में कोई स्पेलिंग मिस्टेक। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प करती है, और ये टूल मौजूद है जी, जिसको हम स्पेल चेकर टूल कहते हैं। ये स्पेल चेकर टूल क्या करता है? ये स्पेल चेकर टूल स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, और जब स्पेलिंग चेक होते हैं तो फिर साथ साथ उनकी करेक्शन भी होती है, और करेक्शन के लिए सजेशंस जो है वो दी जाती हैं कि किस तरह से इनके स्पेलिंग आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेल चेकर क्या जी? अ स्पेल चेकर कंपेयर्स योर डॉक्यूमेंट विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, हाइलाइट्स अनरिकग्नाइज्ड वर्ड्स एंड सजेस्ट करेक्ट स्पेलिंग। इस स्पेल चेकर के क्या फीचर हैं? ये ऐसा टूल है जिसने क्या करना है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, इसका एक डेटाबेस है जिसमें वर्ड्स के एक्चुअल स्पेलिंग उसके पास मौजूद हैं। जब भी कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर हम स्पेल चेकर लगाते हैं तो वो वर्ड को पिक करता है, जो वर्ड उसके साथ मैच नहीं करता, उसकी डिक्शनरी के साथ मैच नहीं करता, वो उसको हाईलाइट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि आपने कोई वर्ड लिखा है, लेट्स से उसके स्पेलिंग आपने कुछ ए या ई गलत कर दिए, तो अब उसमें क्या होगा? अगर डिक्शनरी के साथ वो मैच नहीं कर रहा तो वो हाईलाइट कर देगा, क्योंकि उसने वर्ड रिकग्नाइज नहीं किया। जो भी अनरिकग्नाइज वर्ड होगा वो उसको जो है वो हाईलाइट करेगा, और फिर उससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि ए की मिस्टेक है, ई की मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सजेस्ट करेगा कि क्या इसके आप ये स्पेलिंग देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी होती है कि आप जो करेक्ट स्पेलिंग, सजेस्टेड करेक्ट स्पेलिंग होते हैं उसको क्लिक करते हैं और उसके स्पेलिंग करेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कमाल टूल है आमतौर पर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आता है? इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि ये सिर्फ वर्ड्स को चेक करता है, ये कॉन्टेक्स्ट को चेक नहीं करता कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया। अगर वर्ड के स्पेलिंग ठीक हैं लेकिन उसकी जगह स्ट्रक्चर के मुताबिक वो ठीक नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल कि आपने वर्ड, जैसे इसमें आगे जाके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वर्ड जो है वो मिस स्पेलिंग, स्पेलिंग उसके ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली उसका स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो ये जो स्पेल चेकर है वो उसको नहीं पकड़ सकता। यानी इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को नहीं देखता, ये सिर्फ स्पेलिंग तक लिमिटेड है। इट हेल्प यू इन चेकिंग स्पेलिंग बट इट कैनॉट सजेस्ट एनी करेक्शन फॉर ग्रामेटिकल एरर। अगर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो ये टूल नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है सिर्फ और सिर्फ वर्ड तक, स्पेलिंग्स तक। लेकिन इसमें हम 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव यूज्ड देयर, ये स्पेलिंग आपने इस्तेमाल की है TH EIR देयर इंस्टेड ऑफ देयर, लेकिन इस्तेमाल करने थे आपने ये, जैसे आपने लिखा जी देयर इज अ पेन, अब आपने देयर के स्पेलिंग ये लिख दिए THEIR, तो स्पेल चेकर टूल के जरिए हम चेक करेंगे तो वो एरर इसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड तो एग्जिस्ट करता है, उसकी डिक्शनरी में मैच कर जाएगा, वो उसको देखेगा कि ठीक है जी वर्ड मैच हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली वहां पे ये देर आना चाहिए था, ये स्पेल चेकर इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। द स्पेलिंग चेकर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स। इसलिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पे रहें कि हमारे स्पेल चेकर ने एरर को नहीं पकड़ा, तो उसमें ये गारंटी नहीं है कि आपका जो मैसेज है वो 100% ठीक है, एक्यूरेट है। इसके लिए आपको ग्रामेटिकली भी मैसेज का करेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि ये जो टूल है, स्पेल चेकर टूल है, ये स्पेलिंग चेक करने के लिए है,
वर्ड्स के स्पेलिंग चेक करने में आपको ये हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप मैसेज को 100% एक्यूरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करना है। दूसरा सॉफ्टवेयर टूल है जी थेसॉरस। अब ये थेसॉरस क्या है? थेसॉरस आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास एक डिक्शनरी है जो कि आपको डिफरेंट वर्ड्स, एक वर्ड के जगह पे डिफरेंट वर्ड्स जो अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो बताएगा। क्योंकि बिजनेस इंग्लिश में नो डाउट के हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा मैसेज बड़ा सिंपल होना चाहिए, हमारा मैसेज भी बड़े फेमिलियर वर्ड्स का आप जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैसेज की वो ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। एक वर्ड की जगह और भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमें बाजुकात हमारे जहन में नहीं होते क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते। तो थेसॉरस जो टूल है इसको इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड के जो रेलिवेंट जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं और उनमें से हमने चूज करना होता है कि जो करीब तरीन वर्ड है उसको हम पिक करके उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थेसॉरस क्या है जी? अ कंप्यूटर थेसॉरस गिव यू ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जस्ट एज अ प्रिंटेड थेसॉरस डज। जिस तरह डिक्शनरी, प्रिंटेड डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड से रिलेटेड आपको बेशुमार वर्ड्स मिल जाते हैं, इसी तरह जो कंप्यूटर का ये टूल है ये भी आपको बेशुमार उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स देता है। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। आप कॉन्टेक्स्ट को आप जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ड्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं और जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे हर ऑल्टरनेटिव आपकी सिचुएशन के मुताबिक फिट नहीं होगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए डोंट यूज थेसॉरस टू मच बिकॉज ऑल द सजेस्टेड वर्ड्स आर नॉट करेक्ट फॉर ऑल द सिचुएशन। ये सिचुएशन को आपने देखना है। अगर इसे रिलेटेड रिस्क क्या है जी, कि अगर आप बगैर एनालाइज किए हुए कि क्या वर्ड जो है वो कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है, नहीं इस्तेमाल हो सकता, आप जो ऑप्शन है उनमें से जो आपको मुश्किल और जो आपको डिफ़िकल्ट या जो आपको इम्प्रेसिव वर्ड लगे वो आपने यूज़ कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक क्या वो वर्ड्स इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो वर्ड जो मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को देखें, अंडरस्टैंड करें। अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट मैसेज। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप समझ रहे हैं कि किस वर्ड को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। देखें, वर्ड्स आर नथिंग। आप जिस तरीके से वर्ड्स को कंबाइन करके मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ सेंस, वो सेंस क्रिएट करता है। इसलिए इंडिविजुअल वर्ड जो थेसॉरस है दीज आर इंडिविजुअल वर्ड्स। एक वर्ड से रिलेटेड आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल गए, लेकिन उन वर्ड्स में से हर वर्ड का मतलब एक जैसा नहीं है, हर वर्ड का मतलब डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आपने इस पर बड़े गौर से देखना है कि कौन सा वर्ड इस सिचुएशन में फिट हो सकता है और जो करीब तरीन उन वर्ड्स के हैं वो आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो थेसॉरस को भी ये डिक्शनरी है, इसमें आपके पास ट्रेजर मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके मैसेज की जो ब्यूटी है वो बेहतर होती है, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग इट वेरी केयरफुली। आ गया जी ग्रामर चेकर। अभी स्पेलिंग चेकर के बारे में हमने डिस्कस किया कि स्पेलिंग चेकर में एक एरर है, एक स्पेलिंग चेकर की एक वीकनेस है कि जब हम कोई अपना मैसेज क्रिएट करते हैं, मैसेज क्रिएट करने के बाद हमने स्पेल चेक उस पर लगाया, स्पेल चेक जब हम लगाएंगे तो स्पेलिंग के एरर्स तो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो बहुत सारे एरर्स जो स्पेलिंग के मतलब स्पेल चेकर ने नहीं पकड़े, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के एरर्स हो सकते हैं जो कि आइडेंटिफाई उसने नहीं किए। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ग्रामर चेकर लगाएं। ग्रामर चेकर क्या होता है जी? द ग्रामर चेकर कैन परफॉर्म सम हेल्पफुल रिव्यू टास्क एंड हाईलाइट आइटम्स यू शुड कंसिडर चेंजिंग सच एज पैसिव वॉइस, लॉन्ग सेंटेंसेस एंड फ्रीक्वेंटली मिसयूज वर्ड्स। अब इसमें ये क्या करता है जी? ये क्या करता है कि जो आपने मैसेज लिखा होता है उसको रिव्यू करता है, ऑल्दो कि स्पेलिंग उसके ठीक है, लेकिन उसने रिव्यू में क्या करना है, हाईलाइट कर देना है चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को?
कि जहां पे आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है लेकिन वहां पे एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस मैसेज में पैसिव वॉइस को आम तौर पर डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमारे मैसेज को कंफ्यूजिंग कर देता है, पैसिव वॉइस हमारे मैसेज को जो है वो उतना क्लैरिटी उसके अंदर नहीं आती। तो अगर आपने को पैसिव वॉइस सेंटेंस पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया है तो वो क्या कहेगा कि आपको वो उसको हाईलाइट कर देगा जी आपने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया है, ना सिर्फ हाईलाइट करेगा बल्कि उसको बता भी देगा कि इसको आप ये जो रेलेवेंट स्ट्रक्चर है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको भी वो हाईलाइट करेगा, क्योंकि जितने लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और बिजनेस मैसेज की रिक्वायरमेंट है कि उसमें सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, वैरायटी सेंटेंसेस की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड हर सेंटेंस को आप चार चार पाँच पाँच अल्फाज का रखें, लॉन्ग सेंटेंस शुड बी देयर, लेकिन अगर आप टू लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे तो वो मैसेज को कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपने बड़ी बड़ा एक बैलेंस बरकरार रखना होता है कि कितना कौन सा सेंटेंस कितना लेंथी होना चाहिए और ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एंड फ्रीक्वेंटली मिस यूज जो वर्ड्स होते हैं उनको ये हाईलाइट कर देता है। इसमें क्या है जी कि इट कैन चेक फॉर द क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ योर मैसेज। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसी पे रिलाई कर जाएं कि ठीक है जी ग्रामर चेकर भी आपने लगा लिया, ग्रामर चेकर ने क्या किया ग्रामर का स्ट्रक्चर चेक कर दिया, स्पेलिंग चेकर ने क्या किया स्पेलिंग चेक कर दिए, थेसॉरस ने आपको क्या किया ऑल्टरनेट वर्ड्स बता दिए, वो एक वर्ड का जो अगली दफ़ा इस्तेमाल हुआ तो आपने थेसॉरस में से कोई उससे रेलिवेंट दूसरा वर्ड निकाल लिया, लेकिन ग्रामर चेकर ये नहीं बताता कि मैसेज इफेक्टिव है। देखिए मैसेज इफेक्टिव होने का मतलब है कि वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होना चाहिए और साथ साथ ये है कि उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैसेज इनकम्प्लीट है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर मैसेज इनकम्प्लीट है तो मैसेज इफेक्टिव तो नहीं हुआ, अगर वो अनक्लियर है तो फिर भी मैसेज इफेक्टिव नहीं है। तो ग्रामर चेकर क्या करता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर आप सिर्फ ग्रामर चेकर पर रिलाई करते हैं तो आपकी क्लैरिटी और कंप्लीटनेस सेक्रीफाइस हो जाती है, इसलिए इसके ज़रिए भी आप लिमिटेड इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं कि आप इसके ज़रिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है उनको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं, वो आपको सजेस्ट करेगा हाईलाइट करेगा चीज़ें, तो आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो चौथा सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम मैसेज प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्टाइल चेकर। स्टाइल चेकर क्या करता है, अ स्टाइल चेकर कैन मोनिटर योर वर्ड एंड सेंटेंस चॉइसेस एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट माइट प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव राइटिंग। इसने क्या करना है कि आपके राइटिंग स्टाइल को बेहतर कर देता है। जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसको उससे रिलेटेड अगर कोई बेहतर और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है तो वो आपको सजेस्ट करके देगा, इसलिए आप इसको भी जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका मैसेज और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। तो हमने इसमें ये देखा जी कि एक किसी टूल पे रिलाई नहीं कर सकते, ये जो चारों टूल्स हैं इनको हमने जब केयरफुली और बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम एक अच्छा मैसेज तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा जी कि हमने बड़े एहतियात से इनको यूज़ करना है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 100% इन पे रिलाई नहीं कर सकते। यू कैन रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर्स फॉर रिविजन ऑफ योर बिजनेस में, 100% इन पे रिलाई नहीं कर सकते। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर असिस्टेंस बट कैन नॉट रिलाई 100% ऑन दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, जो आपने मैसेज प्रिपेयर करना है आप उसके लिए फाइनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं कह सकते जी सॉफ्टवेयर की गलती हो गई जी, वो सॉफ्टवेयर ने स्पेलिंग नहीं पकड़े जी, सॉफ्टवेयर ने तो ये ठीक बताया था, मैंने ठीक लिखा था, सॉफ्टवेयर ने उसको गलत कर दिया। नो दैट इज़ नॉट एक्सक्यूज। आपने अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ने तो जो प्री उसके पास चीज़ें हैं उसके मुताबिक बताना है, नो डाउट वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बट अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। जो रिविजन करनी है मैसेज की, रिवाइज मैसेज करना है, उसको आपने बिल्कुल फ्लॉलेस बनाना है, तो आपको आप 100% उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, थिसॉरस एंड स्टाइल चेकर
can all help you with the revision process, but they cannot take the place of a good writing and editing skill. इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने आ गए हैं तो इसका मतलब है कि 100% जॉब आपकी डन। ये एक वो स्किल है जो इंसान के अंदर स्किल होती है, उसको पता होता है कि ये अच्छी राइटिंग में ये स्ट्रक्चर बेहतर है। इसको एडिटिंग बकायदा एक स्किल है, इसलिए आप ये सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ये नहीं कि कोई भी बंदा इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बहुत अच्छा मैसेज फाइनल मैसेज बना सकता है। इनका इस्तेमाल एक राइटर को हेल्प करता है कि वो जो काम उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करना था, इन सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप समझ लीजिए कि 80% टाइम आपका वो सेव हो जाता है और एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। लेकिन फिर भी आपकी जो एज अ राइटर आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो गुड राइटिंग स्किल्स हैं और जो एडिटिंग स्किल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये है जी हमारा जो लेक्चर आज का, ये कंप्लीट हुआ कि डिफरेंट कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो आप रिविजन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम इनको रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं तो कौन कौन से रिस्क इसके साथ अटैच हैं और उन रिस्क को आपको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।